ओके, ड्यून पार्ट 2 के हाइप के चलते आपने इस वीडियो पे क्लिक कर तो दिया है, पर क्या आप हॉलीवुड की ऐसी फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन पॉलिटिकल साइंस फिक्शन मूवीज से फैमिलियर हैं? एग्जांपल के तौर पे आपने क्रिस्टोफर नोलन की मेजॉरिटी मूवीज जैसा कि इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और टेनेट, जेम्स कैमरॉन के एवेटार से लेकर टर्मिनेटर जैसी मूवीज और इस मूवी के डायरेक्टर डेनियल विलेनेव के अराइवल और ब्लेड रनर जैसे डिस्टोपियन मूवीज देख रखा है, तो मैं वादा करता हूं आप ड्यून पार्ट 2 को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एज ए साइंस फिक्शन मूवी लवर होने के दौरान ये मूवी आपको प्राउड फील करवाएगा और एक जन्नत जैसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। पर भाई साहब, अगर आप इस तरीके की साइंस फिक्शन डिस्टोपियन मूवीज का सिनेफाइल नहीं है और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज तो छोड़ो, आपने ड्यून पार्ट 1 ही नहीं देखा है और रिसेंट ट्रेंड को देखकर आप पार्ट 2 के लिए हाइप्ड अप हो चुके हो, या फिर ड्यून पार्ट 1 के कहानी आपके सिर के ऊपर से गया इसलिए आप पार्ट 2 को देखकर ओवरऑल समझना चाहते हो कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो भाई आप इन सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा, आप ये ड्यून पार्ट 2 डायरेक्टली थिएटर में जाके मत देखो। पहले आप जेम्स कैमरॉन के अवतार के 2 मूवीज देख लो। खैर मैं भी बेवकूफ इंसान, आज के डेट पे अवतार मूवीज के बारे में किसको नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता, पत्थर के नीचे रहते हो क्या? खैर ड्यून पार्ट 2 देखने से पहले कुछ डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक मूवीज आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि ब्लेड रनर, मैट्रिक्स, मैड मैक्स। थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक काम करो, आप खुद की सिंपल भाषा में ड्यून पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियोस YouTube पे चेकआउट कर सकते हो। हाँ पता है, मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने का मतलब मूवी देखने का मजा खराब हो जाएगा, बट यार स्टोरी या प्लॉट समझने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्यून के दुनिया से फैमिलियर होने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। देखो भाई, अब ड्यून पार्ट 2 को थिएटर में देखकर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो ले लोगे, पर स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो तो पता चलना चाहिए ना, नहीं तो भाई ऐसे कैसे समझ में आएगा। ड्यून हॉलीवुड की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवीज में से आती है। इस मूवी ने एवी 2021 में 7 ऑस्कर नहीं जीता है। सो दिमाग दौड़ाओ और ड्यून पार्ट 2 को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के तौर पे बिग स्क्रीन में एंजॉय करो। क्वालिटी साउंड और क्वालिटी पिक्चर प्रोवाइड करने वाला थिएटर चूज करना, तभी मजा आएगा। ओके, तो अब करते हैं ड्यून पार्ट 2 के बारे में। मैंने मूवी देख लिया है और मेरा एक्सपीरियंस मेजॉरिटी टाइम में एज ऑफ द सीट्स और वाओ टाइप का था। टेंशन नॉट, विदाउट स्पॉइलर क्विक रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि ये ड्यून पार्ट 2 असल में है क्या चीज। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्यून का कहानी आज से 10,000 साल बाद का है, यानी कि फ्यूचर में, जहां इंसान अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूनिवर्स की अलग अलग ग्रह में कब्जा करना चालू कर दिया था। और इस ड्यून का कहानी अराकिस नाम की एक रेगिस्तानी ग्रह में टेक प्लेस करता है, जहां इंसान रेत में कीमती खजाने का व्यापार करते हैं। देन हरकनेंस नाम की एक और ग्रह की जीव इस अराकिस में हमला बोल देता है, वो सब कुछ तबाह कर देते हैं, इंसानों की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी, और अराकिस को कब्जा कर लेते हैं। पर जिंदा रह जाता है इंसानों का, यानी कि अराकिस का वंशज पॉल और उनका मादर। फिर वो दोनों मिलकर अराकिस ग्रह की वासी यानी कि फ्रेमेंस से मिलता है और अराकिस को फिर से पाने के लिए एक नया जर्नी का शुरुआत करता है, जो आपको इस ड्यून पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये मूवी कोई भी टिपिकल सा नॉर्मल डिस्टोपियन मूवीज के जॉनर में नहीं आता, बल्कि ये मूवी साइंस फिक्शन जॉनर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसे आप प्रॉपर सिनेमैटिक मास्टरपीस कह सकते हो। क्योंकि कोई भी साइंस फिक्शन मूवीज उठा लो, वहां हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलता है और साथ में कुछ पावरफुल एलियंस भी। ऑब्वियस ही बात है, साइंस फिक्शन मूवी यानी कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है। पर इस मूवी के अंदर द क्लासी डायरेक्टर डेनियल विलेनेव ने रेगिस्तान के अंदर एक क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी प्रोवाइड किया है, जिस मूवी को ओवरऑल शूट ही किया गया है रेगिस्तान के अंदर, जहां इस मूवी के एक एक सीन, एक एक फ्रेम इतना वेल एग्जीक्यूटेड है, इतना खूबसूरत है कि आप इस मूवी को एक्सपीरियंस करते टाइम इसके सिनेमैटिक ख्वाब में खो जाओगे। बेसिकली ये मूवी फ्यूचरिस्टिक तो है, पर रिलीजियस को कभी भी इग्नोर नहीं करता। वही राजा महाराजा वाला डोमिनेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई, आपको अभी भी नहीं पता तो ड्यून का कहानी 1960s की एक अमेरिकन नोबेल से इंस्पायर्ड है, पर उसमें सिर्फ कहानी प्रेजेंट किया गया है, विजुअल्स नहीं। तो भाई इसको देखते हुए डायरेक्टर डेनियल विलेनेव की विजन की दाद देनी पड़ेगी। लिटरली इस मूवी को देखकर फिर से रियलाइज हो जाता है कि 2021 में ड्यून पार्ट 1 को 7 ऑस्कर क्यों मिला था। व्हाट ए विजुअल्स, VFX क्वालिटी वॉस
मजा आ जाता है। मैं इतना तो कंफर्म हो चुका हूँ 2024 के ऑस्कर में भी ड्यून पार्ट 2 को ऑस्कर मिल चुका है। फिर उसके बाद भाई इस मूवी में रेगिस्तानी कीरो को देखकर मैं तो भाई बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरीके से फ्रेमेंस के द्वारा उन कीरो को इस मूवी में इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर ह्यूमर डाल के, स्पेशली क्लाइमैक्स में वो एक लिटरली सिनेमैटिक बीस्ट प्रेजेंट करता है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था। भाई यार क्या चीज था वो, क्या एक्सपीरियंस था। लिटरली वो कीरे ड्यून मूवी को एक प्रॉपर आइडेंटिटी देकर जाता है कि साइंस फिक्शन मूवी हो तो ऐसा हो। एक ऐसी लार्ज एंड लाइफ टाइप स्केल में ये मूवी पहुंच जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, जाके देखो तो सही। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। देन इस मूवी का बीजीएम, भाई यार चरम सुख। चरम सुख किसे कहते हैं जानते हो? ड्यून मूवी के बीजीएम को कहते हैं। लिटरली गूज़बम्प्स चंद मिनटों के अंदर, सीन के अंदर क्या वायलेंट क्या कुछ होने वाला है वो आपको बीजीएम से पता चल जाएगा। कभी एकदम से स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है कि मूवी का साउंड किसी ने कम कर दिया है क्या। फिर जब वो बीजीएम अपना पकड़ बनाना चालू करता है आपका दिमाग फटने लगता है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो भाई अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो डिस्टोपियन मूवी से वाकिफ ही नहीं है, ये आपका फर्स्ट मूवी है, तो ड्यून पार्ट 2 आपको जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा ना, आप बोलोगे भाई क्या ही दे दिया तूने, क्या ही देखने को बोल दिया। एवी इस मूवी का हाइप मार्केट में इतना चरम लेवल पे नहीं पहुंचा है भाई, मूवी के अंदर कुछ है तभी पहुंचा है। IMDb में 10/10, पता है ना ये न्यूज आपको। इस मूवी के अंदर की कहानी और पॉलिटिक्स के बारे में मैं उतना नहीं बता सकता, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लानी पड़ेगी, पर मैं बता देता हूँ भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना आपने, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। छोटा मोटा सिविल वॉर जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। फिर आप इस मूवी के कहानी में खोने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपका ये मजबूरी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के वजह से पॉसिबल हो पाएगा, जो कि है हर एक एक्टर का टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई लीड एक्टर थिमोसी चाल, भाई इनको मैं बच्चा समझ रहा था फर्स्ट मूवी में, पर इसने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या परफॉर्मेंस देकर जाता है बंदा, भाई ये चिल्ला के आपका अटेंशन खींच लेगा। लिटरली ये एक्टर हर एक फ्रेम में अपना दबदबा फील करवा के जाता है कि किसी का सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा है तो इसका। जब वो हजारों लोगों के सामने अपना स्पीच पेलता है तब मैं लिटरली उनके बातों में खो गया था। क्लाइमैक्स में तो बंदे ने खुद को निचोड़ लिया, दिया यार। ड्यून का कहानी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 10 भी आ जाए भाई, मैं इस एक्टर के अलावा पॉल के कैरेक्टर में और किसी को इमेजिन नहीं कर सकता। देन भाई ज़ेंडाया आपको तो पता है हमेशा से ही प्यारी और क्यूट दिखती है, मगर भाई इस मूवी में नहीं, परफॉर्मेंस उभर के आता है उनका एज कम्पेयर टू स्पाइडरमैन नो होम। ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, हमारे टॉम भैया भड़क जाएंगे, भाभी है तुम्हारी। मजाक मस्ती से हटकर कंक्लूजन पे आया हूं तो ड्यून पार्ट 2 एक एक्सपीरियंस करने वाली पिक्चर है। और हाँ, आप इस मूवी को शायद एक बार देख के उतना नहीं समझ पाओगे, आपको 2-3 बार फिर से चेकआउट करना होगा, पर बाद की बात है, पहले वन टाइम वॉच बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस तो कंपलसरी है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं ये मूवी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है।